नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े कई किस्से सदा याद रखे जाएंगे। शीला दीक्षित और उनके पति विनोद दीक्षित की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। यह लव स्टोरी आगे चलकर अपने अंजाम तक पहुंची। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास की पढ़ाई करने के दौरान शीला की मुलाकात विनोद दीक्षित से हुई। विनोद कांग्रेस के बड़े नेता उमाशंकर दीक्षित के इकलौते बेटे थे। शीला ने अपनी लव स्टोरी के बारे में अपनी आत्मकथा सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ में बताया है कि विनोद अपने साथियों के बीच काफी लोकप्रिय थे और अच्छे क्रिकेटर भी थे। संयोग से दोस्तों के बीच प्रेम विवाद को सुलझाने के लिए हम दोनों को मध्यस्थता करनी थी, लेकिन दोस्तों की पंचायत के चक्कर में हम दोनों ही करीब आ गए। शुरुआत में शीला को विनोद कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि विनोद के स्वभाव में थोड़ा अक्खड़पन था। वह विनोद शीला के पास आने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वह आमतौर पर कोशिश करते थे कि वे हमेशा उनके साथ रहे। दोनों DTC के 10 नंबर की बस से घर आते थे। विनोद अक्सर शीला के पास बस पर बैठकर फिरोजशाह रोड जाया करते थे, ताकि वो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिता सके। इसी बीच शीला और विनोद में दोस्ती हुई और अचानक एक दिन बस में सफर के दौरान चांदनी चौक के सामने विनोद ने शीला को कुछ इस अंदाज में प्रपोज किया। विनोद ने कहा, मैं माँ से कहने जा रहा हूँ कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मुझे शादी करनी है। इस पर शीला ने विनोद से पूछा कि क्या तुमने उस लड़की से इस बारे में पूछा है? तो विनोद ने जवाब दिया, नहीं तो, लेकिन वो लड़की इस समय मेरे बगल में बैठी हुई है। बाद में शीला दीक्षित ने कहा कि मैं ये सुनकर अवाक रह गई। हालांकि मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर खूब खुशी से नाची। मैंने उस समय तो इस बारे में अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जरूर पूछते कि लड़का करता क्या है, और उस समय विनोद करता कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ रहे थे। बहरहाल 2 साल के बाद इन दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी में भी दोनों परिवार के बीच काफी विरोध हुआ, क्योंकि शीला ब्राह्मण नहीं थी। विनोद ने IAS की परीक्षा दी और उन्होंने पूरे भारत में 9वां स्थान प्राप्त किया और उनको उत्तर प्रदेश का डर मिला। और इसके बाद शीला दीक्षित ने अपने ससुर उमाशंकर दीक्षित से राजनीति के गुर सीखे, जो उस वक्त इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे और बाद में वो कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने। शीला दीक्षित के पति की एक कार दुर्घटना में कई साल पहले मौत हो गई थी। परिवार में उनके एक बेटे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और बेटी लतिका दीक्षित है, जिनको उन्होंने अकेला ही बड़ा किया। तो दोस्तों, ये थी शीला दीक्षित की लव लाइफ। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस खबर को लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।